ठीक नहीं किया तुमने मेरी बेटी के साथ। मेरी भी बेटी है वो। तुम्हारे अमल से लग तो नहीं रहा। जो कुछ भी किया खुशी से नहीं किया। अपने बेटे को बचाते बचाते मेरी बेटी को जिंदा दरकोर कर दिया और कहती हो खुशी से नहीं किया। अमजद की और समरा की सजा तुमने शाजिया को दी है। जो कुछ भी हुआ है ना उसमें कसूर और शाजिया भी है। कसूर? इसमें क्या कसूर है शाजिया का? भरोसा करना अगर गुनाह है वो तो मैं भी तुम पर करता हूं, तो क्या ये मेरी बेवकूफी है? तो क्या चाहते थे आप? शाजिया को शह देती ताकि वो अमजद को उकसाए और जो काम अधूरा रह गया वो पूरा करे। बात करती शाजिया से ना के उसकी नजरों में गिर जाती। खावर मैं नहीं जानती, मेरी समझ में जो आया मैंने बस वो किया। अब जाके मेरे अमजद को छुड़वा कर ले वरना वरना अपनी जान ले लो, है ना? ठीक कह रही थी शाजिया। जरीना मत गिराओ खुद को अपनी नजरों में इतना कि कल को खुद से नजरें ना मिला सको। अब भी वक्त है जाकर शाजिया से माफी मांग लो और बजाय उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने के उसे यकीन दिला दो कि मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चों की भलाई के लिए किया। और अगर मैंने उनका दिल तोड़ा है ना तो समेटना भी जानती हूं। अंदर का जा रहे हैं। अफसोस नहीं होगा मुझे अगर तुम मेरे साथ छोड़ दोगे। मैं तुम्हारी कब्र पर आकर माफी मांग लूंगा। देखिए मेरे रांझना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।